ठीक है। तो क्या पता है हमें, हमें पता है साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और क्या पता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर ए। इनको हम चेंज करके दो और लिख सकते हैं, यहाँ दो और यहाँ दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, या तो टेन को बदल दें सेक में, या सेक को बदल दें टेन। सेक को आसानी से बदलाएगा, सेक दिया है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो लिख दे रहे हैं नाइन, इतने की जगह क्या लिख देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस के नाइन टेन स्क्वायर ए है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, नाइन बन जाए नाइन प्लस नाइन टेन स्क्वायर, गिनती यही लिखवा रहे हैं जी, नाइन टेन, ठीक है, माइनस में नाइन टेन स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये धन का ये ऋण का घट जाएंगे, क्या आ गया नाइन, ऑब्जेक्टिव में देखो नाइन है क्या, हाँ तो तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, क्या होगा, कॉस का साइन से करें, मतलब कॉस का कर रहे हैं इस पूरे से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा आ गए, कॉस का कॉस से होगा तो क्या आएगा, प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर कॉस का वन से होगा तो माइनस आएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब भैया जी ने पढ़ गया, अगले पे आओ, साइन का साइन से होगा तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस से होगा तो प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन का माइनस वन से तो माइनस साइन थीटा कॉस का आएगा, वन का कर रहे हैं ना, ये प्लस का वन क्या जाएगा, प्लस का साइन थीटा, प्लस का कॉस थीटा और माइनस का है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन, नीचे वाला भी करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना आया। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा ये दिख रहा है ना, मतलब ये कॉस साइन लिखो चाहे साइन कॉस लिखो बात बराबर है, कॉस थीटा साइन थीटा, और एक ये दिख रहा है, लेकिन दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, है ना, ये निशान क्यों लगाएंगे भाई, इनको हम ले चुके हैं, बहुत लंबे हैं, कहाँ कहाँ याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा और साइन थीटा, और हम तो ऐसा लिख ही दे रहे हैं, बदल के साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिल गए, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है इन दोनों से, तो प्लस में क्या जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, साइन थीटा ये भी कैंसिल हो गया, अब क्या दिया है, माइनस का वन, माइनस का वन लिख दो, दिया जाए क्या नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज बताना, ये साइन थीटा से ये कट जाएगा क्या, ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे क्या, अभी बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्यों, इसमें ये जुड़ रहा है ये घट रहा है, पहले इनको हल कर दे फिर अपन काटेंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या बचा आपके पास, टू साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में क्या है और अब जाके ये इससे पूरा कट जाएगा, या तो साइन को साइन से काटो कॉस को जैसे भी काटना, बराबर में क्या आ गया, आंसर में देखो क्या है, ठीक है, तो ये देखने का बड़ा है, बाकी तो बहुत सरल है ना, बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि हम यहाँ से ऐसे नहीं काट सकते जब तक प्लस माइनस है, गुणे में है सारी संख्या, तो ये कट जाएंगे, समझ गए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। कौन सा थर्ड वन, तीसरा क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, है ना, तो पहले तो हमें ये दिख रहा है, ये तो साइन में ही दिख रहा है, इनको साइन में बन, साइन और कॉस में बन, तो ये सेक बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए प्लस इसका क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में, और ये क्या है, वन माइनस
साइन ए। इनका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, कॉस दोनों जगह है तो क्या आएगा, वन प्लस साइन ए। ठीक है, इसका पूरा ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या है, वन माइनस साइन ए। इसके बटे में कुछ नहीं है, मान लो एक गुणा हो रहा है दोनों का, तो गुणा कर दे हम, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। मोहन दाव बताओ बराबर में क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, याद रखो बेटा, बिना सूत्र के आप कुछ नहीं करोगे, बिना सर्वसमीकरणों के कुछ नहीं करोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस लगा है तो माइनस आएगा, साइन स्क्वायर a आ जाएगा, ये आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, इससे देखो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ऐसा बना ले पहले, तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, है ना। ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर का मतलब दो बार लिखे हो सकते हैं, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, कॉस ए आपका आंसर है। कौन सा सवाल, फोर्थ हो गया, चालू है, हाँ हो गया। कौन सा दिया है, क्या दिया है, वन प्लस टेन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, क्या होगा, ये दिए हैं वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए, और इसका cosec स्क्वायर ए। ठीक है, sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन sec को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन sec ए बराबर हो जाएगा cos ए, और cosec का क्या हो जाएगा, वन अपॉन sin ए। ठीक है, वेरी गुड। ये क्या करेंगे अपन, वन अपॉन कॉस ए, और ये बड़ा वाला अपॉन पहले से है वो, और फिर वन अपॉन साइन ए। इसके भाग में ये है, भाग का क्या करते हैं, गुणा करके, वन अपॉन कॉस ए भागित होगा वन अपॉन साइन ए। क्या करेंगे, वन अपॉन कॉस ए भाग का क्या हो जाएगा, गुणा, और ये पलट जाएगा तो साइन ए अपॉन कॉस वन। ठीक है, क्या होगा, साइन ए बन जा साइन ए, कॉस ए बन जा कॉस ए। ये क्या होता है, टेन स्क्वायर कहाँ होगा, टेन ही आएगा, टेन अरे वो स्क्वायर में चल रहा था ना शुरू से। अच्छा, ये स्क्वायर में चल रहा था, तो यहाँ पूरे में स्क्वायर रहेगा, ये पूरे में स्क्वायर रहेगा, तो फिर यहाँ टेन स्क्वायर आएगा, ये आंसर आ जाएगा, बस आंसर में टेन स्क्वायर एंड कर लो, ये हो गया पूरा। ठीक है,